नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। चौथा सप्ताह होगा ये मार्च के महीने का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य आपके जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम पहले आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे, फिर प्रत्येक दिन की जानकारी देंगे, जैसे 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25, 26, 27, 28 तारीख तक एक एक दिन के बारे में बताएंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप अपने एक एक दिन को समझ पाएंगे और पूरा ओवरऑल कैसा रहेगा एक सप्ताह, वो भी हम आपको बताएंगे। भाग्य प्रतिशत बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, किस देवी देवता की पूजा करने से लाभ होगा और कुछ और विशेष बातें भी बताएंगे। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है इस सप्ताह में, तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। जितना आप हमसे जुड़ेंगे उतना हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते रहेंगे और आपके किस्मत के दरवाजे को खोल के रख देंगे ज्योतिष के उपायों के माध्यम से। तो आइए शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले मैं आपका एक मिनट लेना चाहूँगा। मैं आपका एक मिनट लूँगा, लेकिन एक मिनट में मैं आपको सारी जिंदगी का सुख दे दूँगा। ध्यान से देखिए, ये तीन रत्न क्या है? ये शक्ति है। इसमें एक चमकता हुआ रत्न है, ये है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। दूसरा रत्न है हरे रंग का, ये है भगवान विष्णु का आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी और विष्णु मिलकर क्या हो गए? नारायण, यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद। और ये नीले रंग का रत्न है, ये है सुरक्षा। भगवान शिव लेंगे आपकी सुरक्षा की गारंटी। जब ये तीनों रत्न का लॉकेट आपके गले में होगा या अंगूठी आपके हाथ में होगी, तो आप हर प्रकार की मुसीबत से सुरक्षित हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी ताकत जब आप पहनेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी का सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नौकरी व्यापार में सम्मान मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, विदेश जाने का सुख मिलेगा, विदेश से वापस आकर परिवार के साथ खुशियां बिताने का वक्त मिलेगा, परेशानियों का अंत होगा, आपकी गरीबी का अंत होगा, आपके परिवार में जो तकलीफें हैं उसका अंत होगा। आप अपना ही नहीं अपने साथ के लोगों का भला कर पाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। महिला हो पुरुष हो, सभी लोग पहन सकते हैं। बच्चे का दिमाग तेज होगा, पढ़ाई लिखाई तेज होगी। बड़े पहनेंगे तो नौकरी व्यापार बढ़िया होगा, परीक्षा कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा गजर दोष शनि की साढ़े साथी ढैया काल सब दोष से मुक्ति मिलेगी। और क्या चाहिए? L7 इसका कोड है, L7, और इसकी कीमत है 2250 रुपये। ये कीमत बढ़ गई है और जो पुराना ऑफर था वो खत्म हो गया है। तो जिन्होंने पुराना ऑफर बुक किया हुआ है उनको मिलेगा, और जिन्होंने नहीं बुक किया हुआ है वो लोग आप इसको नए ऑफर के रूप में खरीदेंगे। L7 लिखिए, 2250 रुपये इसकी कीमत है, प्राप्त करिए, जीवन में खुशियां प्राप्त करिए। अब राशिफल की बात करते हैं और फिर देखिए कि क्या होता है आपके आगे आने वाले 7 दिनों में। बात करेंगे मिथुन राशि की। सप्ताह के आरंभ में आप अपनी ऊर्जा का व्यय करेंगे, यानी अपनी ताकत को व्यर्थ में बर्बाद करेंगे। ऋण ले सकते हैं, रोग हो सकता है आपको, कानूनी विवादों से संबंधित मामलों को निपटाने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा, आलस होगा, प्रसन्नता और उत्साह आपके जीवन साथी के मन में होगा। आप आलसी होंगे और आपका जीवन साथी आपको प्रोत्साहित करेगा आगे बढ़ने के लिए। आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो सकती है, जिसको सुधारने में आपका जीवन साथी आपकी मदद करेगा। आपके लिए थोड़ा कठिन वक्त है। साझेदारी के व्यापार या कामों में आपको अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा। सप्ताह के मध्य भाग में जीवन साथी का साथ और उसकी मेहनत काम आएगी और आप फिर से एनर्जीवान हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। व्यापारिक साझेदारी, पारिवारिक साझेदारी, वैवाहिक जीवन, मित्रता फिर से बहुत बढ़िया हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में आनंद और रोमांचकपन वापस आ जाएगा। जो आपके मूड में गड़बड़ी थी वो सही हो जाएगी। जो आप ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे थे वो सोच पाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके मन की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती रहेगी, कभी ये तो कभी वो, फैसला नहीं ले पाएंगे। आपके जो हालात हैं वो सुधरेंगे। आपको आक्रामक होने की, गुस्सा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कार्यों को आत्मविश्वास के साथ करें। अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर भी सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको तनाव हो सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत हल्की फुल्की ही खराब होगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता
नहीं है। बात करेंगे 22 मार्च दिन मंगलवार, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का है, व्यापारी लोग अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा लेकिन चिंताएं बनी रहेंगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, शेयर मार्केट पर निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा करना आपके लिए तभी सही रहेगा जब आपकी प्लानिंग अच्छी हो, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वयं को ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे। बुधवार 23 मार्च आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, आपके मन में प्रसन्नता उत्साह बना रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे, व्यापारी लोग व्यापार के उद्देश्य से कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, खेलकूद में आपके मन में बहुत सारे भाव उठेंगे बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आप आलस के शिकार होंगे, गलत सोच के शिकार होंगे या कहें सपने ज़्यादा देखेंगे, सपने पूरे करने में थोड़ी सी आपकी हालत टाइट होगी। 24 मार्च दिन गुरुवार, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा, व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, ग्रुप मीटिंग हो सकती है, टीम का आपको नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है, काम के अतिरिक्त बोझ के तले आपको दबना पड़ सकता है, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन ठीक है लेकिन समझदारी पूर्वक, और सेहत का भी ध्यान रखिएगा, अपने बॉस से आपकी मीटिंग हो सकती है, घर के अहम फैसलों को करने के लिए आप लोग बातचीत कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार या परिवार वाले के घर मुसीबत में जाना पड़ सकता है, और धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपके शरीर की ताकत वापस आ रही है, आपका जीवन साथी आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा या करेगी, आपकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति को सुधारने में आपको जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे, आप उनसे लड़िए झगड़िएगा मत। 25 मार्च शुक्रवार आज का दिन जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, उसकी ताकत उसकी हिम्मत से आप खड़े होंगे और फिर तूफान की तरह सफलता पाने का आप इरादा रखेंगे, आप रोमांटिक मूड में होंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अनुकूल है, व्यापारियों को नया साझेदार मिल सकता है, उन्नति ही उन्नति होने के आसार हैं, जमा पूंजी बढ़ाने के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधानी रखिए, रोजाना नियमित व्यायाम करते रहिए, महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखिए, चाहे वो कहीं पर भी हों, घर हों या बाहर हों या अनजान महिलाएँ हों, और देखिए महिलाओं की सलाह से आपके काम बनेंगे, आपके घर की महिलाएं भी तरक्की करेंगी, जो भी आपके घर में महिलाएं हैं, आस पड़ोस में महिलाएं हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, प्यार भरे रहेंगे, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह भी आपको प्राप्त होगा, और किसी पड़ोस के जानकार के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा आपकी शादी के लिए रिश्ता भी आ सकता है या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए रिश्ता आ सकता है, जिसको सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। 26 मार्च दिन शनिवार अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा, व्यापार में किसी साझेदार से व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, नई नौकरी मिलने के लिए आपके पास ऑफर होंगे, आप अपनी ईमेल खोल के देखेंगे, व्हाट्सएप खोल के देखेंगे तो कोई अच्छी ईमेल या व्हाट्सएप आ सकता है नौकरी से संबंधित, जीवन साथी से रिश्ता अच्छा होने की वजह से बहुत अच्छे तालमेल बिठाकर आप लोग काम करेंगे, ससुराल से धन प्राप्ति के योग हैं, आपके बच्चे साहसी होंगे, विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप अपनी मेहनत का रिजल्ट देखेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। 27 मार्च दिन रविवार वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय, हर कार्य को करते समय सतर्कता बरतिएगा, आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है, जीवन साथी से तालमेल बनाए रखिएगा, कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचे, किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है, प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य है, कोई नया दोस्ती नया प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकता है, घर के रोजमर्रा के कार्यों में बिजी होने की वजह से आप थोड़े से नाखुश हो सकते हैं, आप बंद घर काम करना पसंद नहीं करेंगे, आप घर के जो छोटे मोटे काम करने पसंद नहीं करेंगे, इस वजह से आप नाराज हो सकते हैं। 28 मार्च दिन सोमवार थोड़ा सा उदास महसूस करेंगे, काम में रुकावटें आएंगी, शरीर थोड़ा सा साथ नहीं देगा, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, शेयर मार्केट में धन का निवेश किया जा सकता है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे, आज का दिन प्रेम संबंध के लिए अशुभ रहेगा, आपकी बाई टांग में दर्द हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, हृदय रोग का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, शुगर वगैरह भी जांचते रहिएगा, समस्या का समाधान आपको करना ही होगा, एक्सरसाइज वगैरह अपने रोजाना नियमित व्यायामों में शामिल करिए और भाग दौड़ करिए, सुबह सुबह उठकर कुछ एक्टिविटीज को ज्वाइन करिए, तो ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा ही बीत रहा है, कुछ मामलों में खतरा, कुछ मामलों में बहुत अच्छा, तो समझदारी आपको दिखानी होगी और आपको 69% शुभ परिणाम मिलेंगे, 9 नंबर आपके लिए लकी है और आपको हल्का गुलाबी कलर शुभ परिणाम देगा। राशिफल सुन लिया आपने, समझ लिया,
नहीं समझा तो एक बार फिर से सुन लीजिए, हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करनी है और कुछ नहीं करना है, और अपने कामों को सही तरीके से करना है, मन को साफ रखना है, दिमाग को साफ रखना है, अपने घर को साफ रखना है, दिल को साफ रखना है, और ईमानदारी बरतते हुए, मांसाहार और मद्यपान का त्याग करते हुए, सात्विक भोजन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी इस सप्ताह में। अपने माता पिता का आशीर्वाद, घर में सगे संबंधियों का आशीर्वाद और रिश्तों में पवित्रता बना के रखिएगा, कल्याण ही कल्याण होगा। अब जो बात शुरुआत में बोली थी उसी से मैं अंत करूंगा। ये जो L7 का लॉकेट है, ये आपके जीवन में सुरक्षा चक्र है। ये है तो सुरक्षा है, ये है तो सफलता है, ये है तो नाम और मान और सम्मान है। कीमत है 2250 रुपये। नमस्कार।